पीपल दस्तकारों ने धरने के माध्यम से प्रदेश सरकार को दिखाए काले झंडे। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के संस्थापक हाजी मोहम्मद इकबाल ने के नेतृत्व में मुरादाबाद महानगर के पीपल दस्तकारों ने कलेक्ट्रेट पर खत्म होगा प्रदेश सरकार को काले झंडे दिखाते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि पीतल हस्तशिल्प कला 250 वर्ष पुरानी है, जिसमें हस्तशिल्पी के परिवार में ही जन्म लिया। परिवार के मालिक के समूह बनाकर घरों में ढलाई, रंगाई, बेडिंग, पॉलिश आदि जैसे हस्तशिल्प कला से जुड़े कार्य करते हैं, जिसमें लाखों परिवारों की जीविका चलती है। इसके अलावा मुरादाबाद के पीतल हस्तशिल्प भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि हस्तशिल्प ही निर्यात की जड़ है। सरकार से निर्यातकों और उसके उद्योग के लिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन SIZ की स्थापना की है, वह मुरादाबाद में सफेद हाथी साबित हुआ। आज तक वहां एक भी यूनिट स्थापित नहीं हो पाई। प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पीतल दस्तकारों का आज बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है तीन विभाग द्वारा। पहला विभाग प्रदूषण विभाग, दूसरा विभाग पुलिस विभाग और तीसरा विभाग आज की तारीख में जो रोशनी देने वाला है बिजली विभाग। बिजली विभाग हिटलर का रूप धारण और चंगेज खान की नस्ल का रूप धारण कर चुका है। रातों को लोगों सोने नहीं दे रहा है, रातों को 3-3 बजे छापे मार रहे हैं। जो खुद स्वयं चोर है, पूरे देश को लूट के खा गए। टीन के खंभों की तरह आज की तारीख में खंभे पड़े हैं। सबसे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान में आज की तारीख में जो बिजली विभाग से जमीन खरीदता है, 4 रुपए की चीज और 100 रुपए का वो कोडियट बनता है। यहाँ पीतल दस्तकार 250 साल से देश की खिदमत कर रहा है। आज वो पीतल दस्तकार के जिसके हाथ चूमने चाहिए थे, आज ये ढलैया समाज एक इलाके से हमने बुलाया है और इसलिए बुलाया कि जब तारीख के पन्नों पर हमने 4 आंदोलन किए तो जो जारत जो शाह बुलागी साहब एक बुजुर्ग की निस्बत से हमारा ताल्लुक है, उस निस्बत की हैसियत से, शाह बुलागी साहब की निस्बत की हैसियत से हम जिस आंदोलन की बुनियाद रखने जा रहे हैं, वहां का आज ढलैया समाज यहां पर आया है। आज ढलैया समाज जो देश की खिदमत करता है, जिसके हाथ चूमने चाहिए, आज पुलिस उनको लट बजा कर बंद करने की वार्निंग दे रही है और ये कह रही है अगर भट्टिया बंद नहीं की तो हम तुमको NDPS और चरस में भेजेंगे। तो हम पूछना चाहते हैं मुराद की पुलिस से, उसके पास कितना चरस है, पहले हाजी इकबाल को बंद करें, बाद में किसी को ढलैया को बंद करने।